इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है यूपी के प्रतापगढ़ जिले से, जहां प्रतापगढ़ में एक बार फिर से बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ के दौरान दो बदमाशों के पैर में गोली लगी है, जबकि मौका पाकर तीसरा बदमाश फरार हो गया। बड़ी खबर प्रतापगढ़ जिले से बता रहे हैं, जहां एक बार फिर से बदमाश और पुलिस के बीच में मुठभेड़ हुई है। घटना रानीगंज कोतवाली इलाके की है, जहाँ कोतवाली इलाके के कस्बे में एक व्यापारी जिसका नाम अशोक मौर्य बताया जा रहा है, उससे बीती शाम बदमाशों ने रंगदारी न देने पर गोली मार दिए थे, जिसे प्रतापगढ़ के जिला अस्पताल लाया गया, जहां हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने प्रयागराज के लिए रेफर कर दिया। मामले के खुलासे के लिए प्रतापगढ़ के पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर तीन टीमों का गठन किया गया था और सर्विलांस समेत अन्य पुलिसकर्मियों को भी खुलासे के लिए लगाया गया था। इसी दौरान पुलिस आज लच्छीपुर इलाके में दबिश देने पहुंची थी, जहां पर बदमाशों ने पुलिस पिकट पर फायर झोंक दिया, जिसका जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने भी बदमाशों के ऊपर फायर किया और दो बदमाशों के पैर में गोली लग गई। हालांकि मौका पाकर तीसरा बदमाश आसानी के साथ फरार हो गया। गिरफ्तार किए गए अभियुक्त का नाम विकरार और जो भागा है उसका नाम महफूज बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस अधीक्षक घटनास्थल पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गए हैं और तीसरे जो बदमाश फरार है उसकी गिरफ्तारी के प्रयास के लिए टीम का गठन किया गया है। पुलिस अधीक्षक का दावा है कि जल्द ही इसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गौरतलब है कि व्यापारी को गोली मारने के मामले में आज व्यापारियों ने इलाके में तालाबंदी किया था और रानीगंज बाजार को पूरी तरीके से बंद करा दिया था, जिसके बाद पुलिस के ऊपर लगातार बढ़ रहे दबाव के बीच आए सीसीटीवी फुटेज ने प्रतापगढ़ पुलिस का काफ़ी काम कर दिया और पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर बदमाशों को चिन्हित कर लिया। चिन्हित करने के बाद जब दबिश देने पहुंची तभी बदमाशों ने पुलिस पर फायर झोंका और पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए दो बदमाशों के पैरों में गोली मार दी। गोली मारने से घायल दोनों बदमाश को प्रतापगढ़ के जिला मेडिकल कॉलेज लाया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। वहीं एसपी ने दोनों बदमाशों से पूछताछ की। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहना है इस पूरे घटनाक्रम पे प्रतापगढ़ के पुलिस अधीक्षक सतपाल अंतिल का। देर शाम को करीब 8:15 बजे के आसपास रानीगंज बाजार में एक घटना हुई थी, जिसमें कि एक मोटरसाइकिल पर तीन बदमाशों के द्वारा एक व्यापारी के प्रतिष्ठान में घुसकर वहाँ पर गोली चलाई गई, जिससे कि व्यापारी उनके पैर पे गोली लगी। इसके बाद में इसमें अनावरण हेतु तीन टीमों का गठन किया गया था और इसमें सीसीटीवी फुटेज और मैनुअल सर्विलांस के आधार पर हमारी टीमों ने काफ़ी परिश्रम किया, जिसके आधार पर आज तीनों बदमाशों को आइडेंटिफाई किया गया और उनके साथ में पुलिस की मुठभेड़ हुई है। और ये लच्छीपुर था, लच्छीपुर के पास में पुलिस के द्वारा जब इनको इंटरसेप्ट करने की कोशिश की गई तो इनके द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई। आत्मरक्षा पुलिस के द्वारा जब कार्रवाई की गई तो इसमें दो बदमाशों को गोली लगी और तीसरा जो बदमाश था वो भागने में सफल रहा, पर कॉम्बिंग के दौरान पुलिस के द्वारा इनको गिरफ्तार किया गया है। ये जो बदमाश हैं ये रानीगंज थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। जिन दो बदमाशों को गोली लगी है इनका नाम इकरार और हसीब है और इनको भी जिला अस्पताल में लाया गया है। जो तीसरा बदमाश है उसका नाम मोहम्मद महफूज है, वो अभी उसके द्वारा और ज़्यादा रिकवरी वेपन की रिकवरी की जा रही है। घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को बरामद किया गया, असला को बरामद किया गया है। मात्र 18 घंटे के अंतर में इस घटना को अनावरण करने के परिणाम स्वरूप आईपी सर की तरफ से पुलिस टीम को 50,000 रुपये के इनाम की घोषणा की गई। इनके पास से बदमाशों के पास से दो तमंचे बरामद हुए हैं, दो जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं और दो खोखा कारतूस बरामद। पहले भी किसी घटना में संलिप्त थे? इनका आपराधिक इतिहास निकाला जा रहा है। इनके द्वारा बताया गया है कि पहले इन्होंने एक मोटरसाइकिल एक मोबाइल की लूट की थी और पहले एक दो मुकदमे इन पर मारपीट के पंजीकृत। गोली मारने वाले का नाम क्या है?